हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं कुछ नया लेके आया हूँ आप सबों के लिए। देखिए, बच्चों का झूला है, इंडोर झूला। घर में आप कहीं भी चौखट से दरवाजे के साथ में या बालकनी में कहीं भी लगा सकते हैं। उसके लिए देखिए कितना प्यारा कपड़े से सिला हुआ है, बहुत ही आसानी से बनने वाला झूला है। आप देखिए किस तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल छोटे से कुर्सी की तरह, जिसमें 2 साल 3 साल तक के बच्चे आराम से झूल सकते हैं। 15 kg से 18 kg 20 kg मैक्सिमम तक झूल सकते हैं। देखिए ऊपर कैसे चौखट में एंगल लगा के पट्टी से एक पाइप में पट्टियों को लगा के हैंग किया गया है, ताकि एंगल से ये पट्टियाँ ख़राब ना हो। और पकड़ने के लिए नीचे 2 फ्रंट में पट्टियों के ऊपर पाइप भी लगाया हुआ है। और देखिए कितने अच्छे से ये दरवाजे के बीच में लग के झूला झूल रहा है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि 15 से 20 केजी तक के बच्चे वजन में और 2 से 3 साल तक के बच्चे आराम से इस पे झूल सकते हैं। बहुत ही प्यारा झूला बना हुआ है। तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया है, अब मैं आपको उस तरीके से दिखाऊंगा। तो उसके लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे का झूला बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। अगर कपड़े का लंबाई और चौड़ाई आप देखेंगे तो ऐसे इस तरीके से ये अराउंड 10.5 है, जो कि सिलाई के बाद, दोनों साइड से सिलाई के बाद 9.5 बचेगा। ठीक है, 9 इंच मान के चलो आप, 9 इंच की चौड़ाई इसकी बच जाएगी। सेम इधर की भी चौड़ाई अप्रोक्स 9 इंच की बचेगी, 9 या 9.25 इंच की बचेगी। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये दोनों डबल किया हुआ कपड़ा आप देखेंगे, ये भी डबल है, ये भी डबल है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 इंच है, सिलाई के बाद 29 इंच या 30 इंच अप्रोक्स रखिए। तो एक बार मैं इसकी ये वाली सिलाई, ये दोनों साइड से सिलाई, इसकी सिलाई ऐसे, और इसको इसमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है। और ऐसे सिलाई करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं सिलाई। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस वाले पार्ट की सिलाई करेंगे उल्टा करके, वो मैं आपको सिलाई करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से सिलाई हुई है उसके। तो देखिए मैंने इसे अंदर से सिलाई किया इस साइड में, इस साइड में, और ऊपर में सीधा करने के बाद एक सिलाई करी है जहाँ पे इस साइज का एक पाइप अंदर जा सके। ये किस यूज़ के लिए है वो आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले अब इसके अंदर में मैं इसे 2 डब्बे काट के अंदर डालूंगा, इसके अंदर ऐसे डलेगा यहाँ से। और उसके बाद इसको डालने के लिए इसके ऊपर पहले प्लास्टिक से रैप करेंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे और इसकी सिलाई यहाँ पे होगी, इसे उल्टा करके, ताकि ये सीधा दिख सके ऊपर। तो अभी मैं इसको अंदर डालता हूँ, फिर सिलाई करके फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इस प्लास्टिक को कवर, कार्टन के का जो पीस था, टुकड़ा था, उसको हमने प्लास्टिक से कवर कर दिया है, ताकि ये फ्यूचर में कभी इस पर पानी गिरे तो ये अंदर का डब्बा ख़राब ना हो, इसके लिए हमने किया है। और इसको अंदर डाल देते हैं हम, ये अंदर जा चुका है। अब मैं इसकी सिलाई इससे करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। देखिए मैंने इसे यहाँ पे सिलाई कर दिया और सीधा कर दिया, अब इसे वो बैक पार्ट हो गया जो झूला बनने वाला है उसका बैक पार्ट। और ये है नीचे का बेस, ये लेफ्ट राइट का हो जाएगा, यहाँ से फोल्ड होगा। और इसके अंदर भी हम ऐसे ही डबल कार्टन का डब्बा काट के डालेंगे, जो कि ऐसे फोल्ड होगा लेफ्ट और राइट का। ठीक है, और इस पर भी हम प्लास्टिक लपेट के ही डालेंगे इसके अंदर में, ताकि ये गीला हो तो ख़राब ना हो अंदर का। और जैसे वहाँ पे उसमें पाइप के लिए छोड़ा है जगह, यहाँ पे भी 1 स्केल का 1 इंच 1.25 इंच का स्पेस छोड़ेंगे पाइप के लिए, इसमें डालने के लिए दोनों साइड में। और फ्रंट से ये पार्ट सिलाई कर देंगे। एक बार इसकी सिलाई करते हुए इस कॉर्नर पे एक और इस कॉर्नर पे एक हम देंगे, जो कि आगे पकड़ने के लिए कुछ पाइप वगैरह बांधेंगे, उसको लगाने के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। वो कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा सिलाई के बाद। तो चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं, इसको अंदर में डाल के प्लास्टिक कवर करके कार्टन पे अंदर डालते हैं, फिर सिलाई करते हैं। सिलाई करके अब उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो इसे हमने प्लास्टिक से कवर कर दिया और अब उसके अंदर में हम इसको डालते हैं।
और अब मैं इसकी सिलाई करने वाला हूँ। सिलाई कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने साइड की सिलाई कर ली, इधर भी साइड की सिलाई कर ली है। ये स्पेस छोड़ा है पाइप के लिए। ये कड़ी लगा दी हमने यहाँ पे, ये कड़ी लगा दी। ये यहाँ से ऐसे फोल्ड होने वाला है, फोल्ड होगा तो ये कड़ी आगे बच्चे को पकड़ के बैठने के लिए कुछ आप रस्सी लगा सकते हैं, पाइप लगा सकते हैं फ्रंट में, उसके लिए है। और अब फाइनली इसके इसमें मैं ये अंदर कार्टन बॉक्स डाल, कार्टन का जो टुकड़ा था वो हमने डाल दिया रैप करके प्लास्टिक से, और एक एक फोम ऊपर डाल देते हैं, बच्चे को बैठने में आसानी होगी, थोड़ा कंफर्टेबल होगा। तो यहाँ पे नीचे वाले साइज से हम काट के इस पर डालेंगे, और डालने के बाद इसकी फ्रंट की सिलाई करेंगे। अब सिलाई करके फाइनली आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे रेडी हुआ है। सिलाई हो चुका है, इसके अंदर कार्टन को डाल के अब देखिए ये कड़ी भी लग चुका है, बस इसे फोल्ड करना है ऐसे, और इसमें इन तीनों में रस्सियाँ डाल के हमें हैंग करना है। कैसे हैंग करूँगा वो मैं हैंग करके फिर आपको दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसा झूला बना है। तो देखिए, झूले में तीनों साइड, बैक साइड, लेफ्ट और राइट साइड, ऊपर में पाइप का स्पेस जो छोड़ा गया था उसमें पाइप डाल के, और जो झूले की रस्सियाँ हैं, पट्टियाँ हैं ब्लैक कलर की, उसको पाइप के अंदर से लगाया गया है, ताकि ये जो कपड़े का साइड वाला पार्ट है और बैक वाला वो ज़्यादा मुड़े नहीं और ज़्यादा लंबे समय तक टिके। कपड़ा रस्सी से या इस पट्टी से फटे नहीं, इसलिए पाइप दिया गया है, और थोड़ा कुर्सी की तरह बन के रहे इसके लिए पाइप लगाया गया। देखिए आप एंगल के ऊपर भी पाइप के अंदर से हमने पट्टियों को डाला है। क्यों? क्योंकि इस एंगल में लग के पट्टियाँ ईजिली टूट सकती हैं या जल्दी ख़राब हो सकती हैं, तो वो ना हो। और इस कपड़े के बीच में ऑलरेडी कार्डबोर्ड डाला हुआ है ताकि एक कुर्सी की तरह शेप में हमेशा बना रहे बैठने के बाद भी। तो आप देखिए किस तरीके से ये बड़े ही अच्छे से इस पे बच्चे अपना झूला लगा सकते हैं, बैठ के झूल सकते हैं। और देखिए मैंने अपने घर में दरवाजे के ऊपर ये लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा। बालकनी में भी आप इसे लगा सकते हैं या गार्डन में भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। तो होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए झूले में किस तरीके से आगे पाइप भी लगा सकते हैं ताकि बच्चा उसको पकड़ के बैठ सके आसानी से और झूल सके। तो होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, और आप भी अपने घर पे बनाने का ऐसा कुछ ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।